Artlist.io. Music licensing reimagined. Music licensing reimagined. इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉन्ग लाइफ इन्वर्टर के बारे में, जो कि 3 kW का इन्वर्टर है। लास्ट वीडियो में हमने एक ज़ूनिक इन्वर्टर का रिव्यू किया था और ज़ूनिक इन्वर्टर के बारे में मालूमात दी थी और उसकी MPPT रेंज और उसके साथ कौन कौन से पैनल लग सकते हैं, ये सारे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं लॉन्ग लाइफ इन्वर्टर के बारे में, जो कि बगैर बैटरी के भी काम करता है। सबसे अमेजिंग बात इस इन्वर्टर के बारे में ये है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और ये बात की वजह से ही ये इन्वर्टर जो है मार्केट में फेमस है। और अगर आप इसकी फिनिशिंग देखें, ये एक नहायत ही खूबसूरत एक इन्वर्टर है, और इसकी यहाँ पे ये लाइटिंग फीचर भी है कि जब ग्रिड होती है तो ये अपनी लाइटिंग जो है वो भी चेंज कर रहा होता है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले के अंदर आपको जो सोलर से जब ये बिजली बना रहा होगा उस वक्त यहाँ पे डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा होगा कि सोलर से कितनी एनर्जी बन रही है। इसके अलावा बैटरी जब चार्ज कर रहा होगा तब भी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, और जितना लोड आपका बिजली ले रहा होगा वो भी आपको सारा कुछ सारी मालूमात आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। जैसे कि अभी मैंने वीडियो में आपसे कुछ इसके शेयर किया है कि ये बगैर बैटरी के भी काम कर सकता है, तो इस तरह 3 kW में बहुत से इन्वर्टर हैं जो कि बगैर बैटरी के वर्क नहीं करते। जैसे कि ज़ूनिक अगर 3 kW की बात करें तो वो बगैर बैटरी के वर्क नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास बैटरी नहीं है, अगर आप खाली सोलर पैनल्स ही इसके साथ अटैच कर दें तो सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये भी काम करेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर एक खूबी है कि ये ऑन ग्रिड भी काम कर रहा है और ऑफ ग्रिड भी काम कर रहा है, बैटरी के साथ भी काम कर रहा है और बैटरी के बगैर भी काम कर रहा है। और तीसरी इसकी फीचर ये है कि ये हाइब्रिड भी है, यानी कि अगर आपकी बैटरी और लोड अगर आपका ज़्यादा है और सोलर पैनल एनर्जी कम बना रहे हैं तो ये बैटरी के साथ मिक्सिंग करके और वापडा के साथ मिक्सिंग करके भी आपका लोड जो है वो ड्राइव कर सकता है। तो इसके बारे में मालूमात लेंगे हम नियाज़ खान साहब से, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी नियाज़ खान साहब से बात की थी ज़ूनिक इन्वर्टर के बारे में, तो इनसे पूछेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके साथ कौन कौन से पैनल्स लगा सकते हैं और क्या क्या लोड इसके साथ चला सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा कि इसके साथ हम कौन कौन सा लोड चला सकते हैं। इस पे 550 वाला जोन से 11 दाने लग जाएगा, 10 से 11 तक। 450 वाला जोन से वो 14 तक लग जाएगा। अब 350 वाला जोन से वो 17 पलेट लग जाएगा। 150 वाट जोन से वो 22 पलेट लगेगा। ये बैटरी के साथ भी चलेगा, बैटरी से बगैर भी चलेगा। ये एवरेट है, तो ये लॉन्ग लाइफ हमारा पास इनका कस्टमर बहुत आ रहा है, ये बहुत बिक रहा है। ये जोन से MPPT ये 240 से 450 तक ये MPPT ये एवरेट है। ये भी जो MPPT रेंज है वोल्टेज की वो आपने भी बताई है कि तकरीबन 250 से लेकर 450, 240 से लेकर 450 तक का जी। और इसके एम्पीयर्स कितने हैं? 120 एम्पेयर। ये 120 एम्पेयर है। 120 एम्पेयर है। अच्छा, अगर आप 550 के पैनल इसके साथ यूज़ कर रहे हैं तो मैक्सिमम आप 11 यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने। जी जी। और अगर आप 650 वाले लगाते हैं? 650 वाला जोन से वो इस पे 8 से 9 पलेट तक लग सकते हैं। 8 से 9 पलेट।
जैसे कि नियाज खान साहब से बात हुई कि उन्होंने बताया इस इन्वर्टर के बारे में कि ये मार्केट में मोस्ट सेलिंग इन्वर्टर है और इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि एक तो ये बग़ैर बैटरी के काम करता है, दूसरी बात ये कि इसकी जो है वो शॉर्टेज नहीं है मार्केट में, यानी कि ये अभी मार्केट में आया है और छा गया है। चंद ही महीनों के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि ज़ूनिक ने अपना नाम बना लिया है, लॉन्ग लाइफ ने भी अपना नाम बना लिया है, और इन्वरेक्स ने तो डेफिनेटली पिछले हर इन्वर्टर को नहीं जानता, इन्वरेक्स का ब्रांड जो है वो तो बहुत बड़ा ब्रांड है और जिसके इन्वर्टर जो है डबल प्राइस में मिलते हैं। अगर आप इन्वरेक्स से कंपेयर करेंगे तो शायद ये इन्वर्टर इसी फीचर्स के साथ डबल प्राइस में मिले आपको, या 2.5 लाख के करीब इन्वरेक्स का इन्वर्टर सर मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम इस इन्वर्टर की बात करें तो ये इन्वर्टर फीचर वही है इन्वरेक्स वाले हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अब हम बात करते हैं कि लोड क्या क्या चला सकते हैं। जी लोड इसमें 0.75 वाला मशीन भी चला सकते हैं, एक फ्रिज भी चला सकता है, 1 टन वाला 2 AC भी चला सकता है। अगर 1.5 टन वाला चलाना है तो वो 1.5 टन वाला AC चलेगा, 1.75 मोटर चलेगा, एक फ्रिज चलेगा और 5 से लेकर 7 तक पंखे चल सकते हैं। जी मोबाइल मोटर चला सकते हैं, वो 1400 वोल्ट होते हैं। जी जैसे एक भाई ने क्वेश्चन किया था हमारे कमेंट्स में कि 2 हॉर्स पावर की उनकी मोबाइल मोटर है, जी तो वो उस पर चल सकती है? चल सकते हैं, लेकिन उससे बैटरी ज़रूरी है। बैटरी के बगैर दिन को जो उनसे सिर्फ धूप के हिसाब से चल जाएगा। जी एक क्वेश्चन मेरा ये आपसे कि क्या वाईफाई ऑप्शन इसमें अवेलेबल है? जी इसमें वाईफाई ऑप्शन भी है, यानी कि एक्सटर्नली अगर आप चाहें तो ये वाईफाई की जो यूनिट जो 10-12 हज़ार रुपये की मार्केट से मिलती है, जी जी, अटैच करके आप सेल फोन पे लाइव देख सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कितनी यूज़ हो रही है। जी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम दूसरे ब्रांड्स में जाते हैं इन फीचर्स के साथ, विदाउट बैटरी भी काम कर रहा है, बैटरी के साथ भी काम कर रहा है, ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सारे मोड पे काम कर रहा है, अगर ये दूसरे ब्रांड पे जाते हैं तो 2 लाख के करीब करीब, बाकी फ्रोनस की बात कर लें तो 1,90,000 या 1,80,000 के करीब इसका इन्वर्टर है। तो अगर हम उससे कंपेयर करें इसको तो फीचर्स तो इसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसकी प्राइस कहाँ लाए करती है, तो पूछते हैं प्राइस के बारे में। ये 1,65,000 इसका प्राइस है, 1,65,000। अमेजिंग 1,65,000, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी प्राइस है। मैं समझता हूँ कि फ्रोनस से अगर कंपेयर करें तो तकरीबन 30 से 31 हज़ार का तकरीबन फ़र्क पड़ जाता है, 25 से 30 हज़ार फ्रोनस से गैप आ रहा है, और फीचर्स उसके वही मिलेंगे आपको। और सर एक क्वेश्चन और है कि इसकी जो है वारंटी कितनी है, और वारंटी जो सर्विस वारंटी है या रिप्लेसमेंट वारंटी है, ये भी बता दें। ये सर्विस गारंटी है, 1 साल गारंटी है, साल के अंदर एक दफ़ा, 5 साल तक इसका गारंटी है, साल के अंदर एक दफ़ा, यानी साल में एक दफ़ा जो है वो इसकी सर्विस वारंटी है, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट वारंटी है वो 5 साल है। ठीक है सर, ऐसे ही है। आप जो है वो दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो रब्ता करके ये इन्वर्टर जो है वो पाकिस्तान में कहीं भी बैठे जो है वो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप शॉप विज़िट करना चाहें तो आप जो है वो नियाज खान सोलर जो कि हमने डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर आके आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं, और जो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके भी आपको ये इन्वर्टर जो है वो आपके घर बैठे आपको मिल सकता है। इसके अलावा इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको एक नई सोलर प्रोडक्ट के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।